तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था गोल्डन बेहमोथ को किल करने के लिए हाइड्रोजन बम की प्लानिंग की गई थी, जिसमें टोटल 3 स्टेज थे। फर्स्ट स्टेज में गोल्डन बीस्ट के सामने 2 एवरेज एटॉमिक बम एक्सप्लोजन किया जाता है, जिससे गोल्डन बीस्ट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पर सेकेंड स्टेज में हाई फ्रीक्वेंसी वाले बम को एक्सप्लोड किया जाता है और हर जेट में करीब 15-60,000 किलोटन की न्यूक्लियर बम होगी। इस स्टेज में सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन लुओफेंग की फाइटर जेट से होती है, जिसमें करीब 30,000 टन की बम थी और इतने टेरिफाइंग हीट और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके गोल्डन बेहमोथ स्टेलर लेवल को अचीव कर लिया था। अब आती है सबसे पावरफुल और फाइनल स्टेज। इसमें अब तक की सबसे पावरफुल और टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है। सबका प्लान था कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब को गोल्डन बीस्ट के मुंह में एक्सप्लोड करेंगे, पर गोल्डन बेहमोथ जेट से थोड़ा ऊपर चली जाती है और ये एक्सप्लोजन उसके पेट के सामने होती है। इसका तबाही का नजारा आप साफ साफ देख सकते हो। अब आगे उस एरिया में काफी ह्यूज और डेंस मशरूम क्लाउड फॉर्म होती है, इवन कि उसे स्पेस से भी साफ देखा जा सकता था। आगे हम देखते हैं एक सिटी जहां किसी को भी इस एक्सप्लोजन के बारे में नहीं पता था। 昨天那家烤鸭是真好吃啊！哎，我给你。 वो सभी बिना किसी चिंता के अपने लाइफ बिता रहे थे, पर तभी सब आसमान में चमकते हुए चीज को देखते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं आखिर इतने रात में सूरज कहाँ से निकल आई, और सब बेचैन होकर अपने करीबी लोगों को कॉल करने लगते हैं। पर अचानक ही उनका सिग्नल, नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट सब कुछ बंद कर दिया जाता है। इवन की पूरे सिटी में लाइट कट ऑफ हो जाती है और सब अपने घरों से बाहर निकल कर उस मशरूम क्लाउड को देख रहे थे। पर तभी एक लड़की पहचान लेती है कि ये जरूर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। ये सुनकर सब वहाँ से भागने लगते हैं कि कहीं उनके शहर में भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना हो जाए, और पूरे सिटी में भगदड़ मच जाती है। इधर मार्शल प्रैक्टिशनर और लुओफेंग की पूरी फैमिली सब एक्सप्लोजन को देख रहे थे, और एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए उस एरिया से सारे मॉन्स्टर भाग रहे थे। इधर लुओफेंग भी उस एक्सप्लोजन को देख रहा था, और अभी तक किसी को भी पता नहीं चला था कि उनका प्लान सक्सेसफुल रहा या नहीं। वॉरगोट पैलेस में सभी मशरूम क्लाउड हटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो सब देख सके कि आखिर गोल्डन बेहमोथ के साथ क्या हुआ है। और जैसे क्लाउड थोड़ा साफ होता है, हम देखते हैं गोल्डन बेहमोथ अभी भी जिंदा है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं, पर हाइड्रोजन बॉम्ब से गोल्डन बेहमोथ काफी ज्यादा घायल हो गया था, उसके बॉडी से खून निकल रही थी। फिर गोल्डन बेहमोथ काफी जोर से चीखने लगता है। इधर सब टूट चुके थे कि उनका आखिरी होप भी वर्क नहीं किया। ये सब देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। इसा डोरना कहती है एटलीस्ट ये एक्सप्लोजन इसे घायल तो कर दी। तभी सब स्क्रीन में देखते हैं गोल्डन बेहमोथ की बॉडी उस जख्म को हील करने लगती है, और वो बहुत गुस्से से वहाँ से उड़कर चला जाता है। हांसिया के प्रेसिडेंट को ये सब देखकर यकीन नहीं होता है, और वो कहते हैं क्या हम हार गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो ये सब देखकर घायल हो जाते हैं और वो ब्लड वोमिट करते हैं, और बाकी बचे हुए लीडर हार मान लेते हैं क्योंकि अब उनके पास गोल्डन बीस्ट से फाइट करने के लिए कोई भी चांस नहीं है। एल्डर सोकोलोव कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि गोल्डन बेहमोथ हाइड्रोजन बम से भी बच गई, और सबको इस बात का काफी दुख होता है। लुओफेंग कहता है इतना पावरफुल हाइड्रोजन बम भी इसे किल नहीं कर पाया, गोल्डन बेहमोथ अभी भी जिंदा है। बबाता भी इस बात से हैरान होती है। इधर गोल्डन बेहमोथ एक माउंटेन पे आकर गुस्से से लेजर अटैक करता है, जिससे पूरे ओशियन में हलचल होने लगती है और सारे मॉन्स्टर गोल्डन बेहमोथ की ओर फैसिनेट होते हैं। इधर वॉरगोट पैलेस में सब डिसअपॉइंट थे और काफी हैरानी के साथ सब मास्टर होंग को देख रहे थे। फिर मास्टर होंग अनाउंस करते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है। ये सुनकर लुओफेंग को काफी गुस्सा आता है, और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमंस के पास अभी भी होप है, और वो फौरन ही उस स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश करता है। बवाता बताती है ये पूरा मदरशिप एक स्टार फ्लीट है, यहाँ जरूर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होगा, लेकिन ये रियोन नंबर 12 नहीं है, बल्कि रियोन नंबर 12 इस मदरशिप की गहराई में है और नीचे बहुत ही खतरा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ से प्लेनेटरी लेवल वॉरियर भी बचकर नहीं जा सकते। लुओफेंग कहता है चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, मैं उस वेपन को ढूंढ कर रहूंगा। तभी उस मदरशिप में उसे एक होल दिखाई देती है, और वो फौरन ही उस होल के अंदर चला जाता है। अब आगे देखेंगे उस मदरशिप में लुओफेंग के साथ क्या होता है।1